हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंशूज़ किचन। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? जब हम चाय पीते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार गर्म नाश्ता बनाएं। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ काम होता है या हमें आलस आ जाता है बनाने में, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा नाश्ता कुछ बना हुआ रखा हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसा ही एक नाश्ता आज मैं लेकर आई हूँ, जिसका नाम है मठरी या सुहाली, इसको कई नाम से बुलाते हैं। तो ये चार तरह से मैं आपको बताऊँगी और आप इसको काफ़ी दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और चाय के साथ आप इसको इन्जॉय कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नाश्ता बनाना। सबसे पहले मैंने ये 250 ग्राम मैदा लिया है, हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है और ये हाफ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है। इसको मसल के अच्छे से इसमें डालेंगे जिससे इसका फ्लेवर आटे में अच्छे से आ जाए। और आधी कटोरी के करीब मैंने इसमें तेल डाला है और इनको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तेल का अंदाज़ा आप इस तरह से भी ले सकते हैं, जैसे हम आटे में तेल डालेंगे तो हमारा ये इतना मुट्ठी बनना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से मुट्ठी बनेगा तो आप समझ जाइए कि आपका तेल एकदम परफेक्ट है। इतना हमको इसमें तेल डालना है। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें थोड़ा एक डो बना लेना है। अगर आपने मुट्ठी के जैसा अंदाज़ा लिया है तेल का, तो आपका जो नाश्ता है वो एकदम क्रिस्पी बनेगा, और अगर उससे थोड़ा कम रहता है तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो इतना आप डालेंगे मुट्ठी का अंदाज लेकर, तो वो एकदम परफेक्ट आपका बनेगा नाश्ता। थोड़ा तेल का हाथ लगाया है मैंने इसमें, जिससे कि हमारा आटा एकदम स्मूथ हो जाएगा। इसको 15 मिनट के लिए हम रख देंगे। 15-20 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। कपड़ा मैंने ज़्यादा गीला नहीं लिया है, थोड़ा ही गीला है। 15 मिनट हो गए हैं, अब हटा के देखते हैं। आटा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, इसको एक बार और नीट कर लेती हूँ जिससे कि और सॉफ्ट हो जाए ये। अब इसको हमें छोटी छोटी बॉल्स बनानी है। पहले एक बार हम 3 बॉल्स बनाते हैं इसका। इस तरह से हमें उसकी छोटी छोटी बॉल्स बना के हाथ से प्रेस करके इस तरह बना लेना है। अब इन्हें हमें रोटी की तरह पतला पतला बेल लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना पतला हमें रोटी की तरह इसको बेल लेना है। इसको मैं साइड में रख देती हूँ और इन दोनों को भी हमें इसी तरह बेल लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने तीनों को रोटी की तरह बेल लिया है और अब ये तीनों को एक दूसरे के ऊपर हमें इस तरह से रखना है। और अगर पीस छोटा है तो आप इस तरह से उसको स्ट्रेच कर बड़ा करेंगे। सब एक ही साइज़ के होने चाहिए और इनको भी हमें अभी अच्छे से बेल लेना है। देखिए इस तरह से हो गया है। अभी इसको नाइफ से कट करना है हमें। पहले इस तरह से हम करेंगे और कोई भी शेप आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये शेप बहुत पसंद है तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। देखिए इस तरह से कर लेंगे और फिर इसको ये ज़्यादा वाले पार्ट से, जो हमारा बड़ा पार्ट है, इसको इस तरफ से हमें धीरे धीरे ऐसे पतला पतला रोल करके इसको घुमाना है। ये देखिए इस तरह से, तो ये कुछ इस तरह से आपका ये दिखेगा। तो सभी पार्ट्स को हमें इस तरह से रोल करके घुमाना है। ये देखिए इस तरह से, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा दिखेगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये बनेगी। तो इस तरह से आपको ये सभी बना लेनी है। जब आप इनको एंड में लाएंगे तो ये जो कॉर्नर का पॉइंट है, इसका थोड़ा सा यहाँ से अंदर की तरफ से इस तरह से ज़ोर से प्रेस कर देंगे जिससे ये चिपक जाए। ये देखिए, मैंने ये बनाकर सब रेडी कर ली है। अगर आपका ये पार्ट इस तरह से बार बार खुल रहा है तो यहाँ पे एकदम 1 ड्रॉप पानी का लगा के
आप इसको चिपका सकते हैं, तो ये इजीली चिपक जाएगा। अब ये जो हमारा आटा बचा है, अब इसका हमें और भी नाश्ता बनाना है। अब इसमें से इस तरह का मैंने एक रोल बनाया है और इसको भी हमें इस तरह से प्रेस कर लेना है हाथ से, और इसको भी रोटी की तरह बेल लेना है। इनको नमकीन पारे के नाम से भी जानते हैं, नमकीन पारे भी बोलते हैं इनको, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं ये। आप बना कर रख सकते हैं, काफ़ी दिन तक स्टोर कर सकते हैं ये नाश्ता घर पे, ख़राब नहीं होता है ये। एयर टाइट कंटेनर में आप इसको काफ़ी दिन तक रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बेल लिया है, और इसको हमें कटिंग करनी है। आप कैसे भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ इस तरह से करूँगी। अब इनको उतारना कैसे है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले हमने जो पहला नाश्ता रेडी किया था उसको स्टार्ट करते हैं तलना। कढ़ाई में मैंने तेल गरम होने रखा है, इसको गरम होने देते हैं, फिर इनको डीप फ्राई करेंगे। अभी तेल को चेक कर लेते हैं गरम हुआ है कि नहीं। तो मैं ये आटे का छोटा सा पीस इसमें डाल के देखती हूँ। ये आप देख सकते हैं ये ऊपर आ गया है, तो मतलब हमारा तेल एकदम रेडी है। इसके लिए हमें तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो ज़्यादा तेज में क्या होगा, ये हमारा जल जाएगा नाश्ता और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो थोड़ा गर्म होगा तभी आपको इसको डीप फ्राई करने के लिए डाल देना है। स्टार्टिंग में एक बार हाई फ्लेम पर रखना है, और जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा इस तरह से, और बाद में फिर हमें गैस को थोड़ा सा लो टू मीडियम गैस पर रखना है, जिससे कि ये स्लो गैस में अंदर तक सिक जाए और कच्चा ना रहे। अब इसको थोड़ा सा मैं चला देती हूँ जिससे कि ये सब तरफ से अच्छे से सिक जाए। देखिए इसको और सिकने देते हैं। स्लो गैस में रखा है हमने, इसके लिए उनको टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन जब अच्छे से सीख जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा इनको खाने में, क्योंकि ये अंदर से सीख जाएगी एकदम। आप देख सकते हैं धीरे धीरे इनका कलर चेंज हो रहा है और ये सीख रही हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं और सेक लेती हूँ, कहीं अंदर से कच्ची ना रह जाएगी। फ्रेंड जिस तरह से मैंने तीन रोटी बेल कर ये बनाई है, तो आप दो रोटी का भी बना सकते हैं इसको। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ, उसका कलर भी अच्छा हो गया है, देख सकते हैं आप ब्राउन कलर का, और बहुत अच्छे से सिक गई हैं। इनको निकाल लेती हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं जो डिज़ाइन बनाया था वो ज़रा भी नहीं खुला है, क्योंकि मैंने भी इस पे एक ड्रॉप पानी से इसको चिपका के बंद किया था, तो कितना अच्छा बन गया है। अब मैं इसमें थोड़ा चाट मसाला डाल देती हूँ, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, और इनको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, आपका नाश्ता रेडी हो गया है। अभी चलते हैं दूसरे नाश्ते की तरफ। अभी जो हमने चकले के ऊपर नमकीन पारे बनाए थे, उनको हमें ये नाइफ की हेल्प से इस तरह से उतार लेना है। ये देखिए इस तरह से पूरा उतर जाएगा, ये फटाफट उतर जाता है। और अभी इनको भी हमें तल लेना है। तेल तो हमारा ऑलरेडी गर्म है, तो इसके अंदर मैं ये डाल देती हूँ नमकीन पारे। और अगर आपके नमकीन पारे थोड़े चिपक गए हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि जैसे ही ये तेल में जाएंगे तो सब अलग अलग हो जाते हैं। तो देखिए आप देख रहे होंगे कि तेल में जाते ही ये अलग अलग हो रहे हैं, और कितने अच्छे फूल कर ऊपर आ गए हैं। इसको भी हमें स्लो गैस में ही तलना है। थोड़ा इनको चला देती हूँ मैं, जिससे सब तरफ से सिक जाए। बहुत ही खस्ता नाश्ता बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में। आप चाय के साथ इसको सुबह या शाम को खा सकते हैं, अचार के साथ या चाय में डाल के, कैसे भी, जैसे भी आपको पसंद हो। अभी इसका भी देखिए कलर चेंज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सिक गया है, लेकिन थोड़ा और कसर बाकी है इसमें, थोड़ा और हमें इसको फ्राई करना है। इसको बीच बीच में चलाते रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, एक साइड से सिक जाएगा, दूसरी साइड से अच्छे से नहीं सिकेगा। तो इसको चलाते रहेंगे तो ये सब तरफ से अच्छे से सिक जाएगा और बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो थोड़ा थोड़ा देर रुक कर आप इसको चलाते रहना। ये देखिए अब ये सिक गए हैं, मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो हो गए हमारे नमकीन पारे रेडी। ये देखिए मेरा थोड़ा आटा और बचा था, तो इसमें मैंने छोटी छोटी ये लोइयाँ बना ली हैं। अब इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले मैंने एक लोई रखी है गैस पर, और इसको भी हमें रोटी की तरह बेल लेना है। बस इसको इतना ही बेलेंगे,
और अब इसको फोल्ड करना है इस तरह से, हाफ फोल्ड करेंगे और इसमें एक फोल्ड और करना है, तो हमारा ये तिकोनी हो जाएगी। अब इसको हमें एक दो बेलन से और बेलना है, बस ज़्यादा नहीं, बस इतना, इसकी शेप ख़राब ना हो। तो ये देखिए तिकोनी लग रही है ना, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल तिकोनी शेप हो गई है इसकी। अब इसको या तो फोक की हेल्प से या फिर नाइफ की हेल्प से, या तो फोक की हेल्प से या नाइफ की हेल्प से इसमें हमें छेद करनी है, क्योंकि ये फूलनी नहीं चाहिए, अगर ये फूल जाएगी तो ख़राब हो जाएगी। और इसको पीछे की तरफ से भी हमें इसमें छेद करनी है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमने छेद कर दिए हैं, तो अब ये फूलेगी भी नहीं और बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। और अब ये दूसरी लोई ली है मैंने, इसको भी बताती हूँ, इसको हमें सिर्फ दो तीन ही बेलन से बेलना है, बस इतना ही रखना है। और इसको भी आप फोक या नाइफ की हेल्प से इस तरह से आप इसको करेंगे जिससे कि ये फूले ना। तो मैंने आपको फोक से भी दिखा दिया है और नाइफ से भी दिखा दिया है, लेकिन ध्यान रहे आपको दोनों तरफ से ही ऐसा करना है। इससे क्या होता है, ये फूलेगी भी नहीं और जो हम ये छेद कर रहे हैं तो इसके अंदर से तेल जाएगा, तो ये अंदर से बहुत अच्छे से सिक जाएगी, एकदम क्रिस्पी बनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये तिकोनी मटरी और गोल मटरी दोनों को मैंने अच्छे से दोनों तरफ से छेद करके रेडी कर लिया है। अब इनको डीप फ्राई कर लेते हैं, सबको एक साथ ही डीप फ्राई कर लेती हूँ मैं। और इनको भी हमें पहले गैस तेज करके डाल देना है और बाद में गैस हमें स्लो कर देना है। अब मैं गैस स्लो कर देती हूँ। इसको भी हमें अच्छे से सेकना है दोनों तरफ से, पलट के चलाते रहना है जिससे कि दोनों तरफ से ये अच्छे से सिक जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिक गई है, तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इनका कलर आया है, ब्राउन कलर का, और कितना अच्छे से सिक गई हैं ये। ये देखिए, तो हमारा चार तरह का नाश्ता रेडी हो गया है एक ही आटे से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये चार तरह का नाश्ता रेडी हो गया है, ये एक और ये दो, दूसरा हमने तिकोनी बनाई है, ये तीसरा और चौथा ये नमकीन पारे। तो है ना बहुत टेस्टी सा मज़ेदार सा नाश्ता, और आप इसको काफ़ी दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो एक ही आटे से हमने चार चार नाश्ता रेडी कर लिया है, तो फिर देर किस बात की है, फटाफट आप ये रेसिपी अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ ये कितनी क्रिस्पी बनी है, ये देखिए फोक से आप आवाज़ सुनेंगे, और मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। और ये देखिए, ये भी तोड़ के बताती हूँ, ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, एकदम खस्ता बनी है। और ये हमने जो बनाया था, ये देखिए कितने टेस्टी और कितने क्रिस्पी बने हैं, देखिए ये देखिए कितना, एकदम आप देख सकते हैं एकदम इसका पूरा हो गया है, मतलब ये कितना क्रिस्पी बना है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा हमने कितना एक ही आटे से हमने चार तरह के नाश्ते बनाए हैं, और सच में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बच्चों को भी पसंद आएंगे, घर में बड़ों को भी पसंद आएंगे। आप इसको अचार के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको कैसे भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास जो रेसिपी है, मुझे जो आता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, टिल देन बाय बाय।